दिखाया अडानी ग्रीन ने, यानी गौतम अडानी जी के तरफ से इसको जो ऑर्डर मिला है वो भूल गए हम। तो फिर वो न्यूज का फायदा क्या है कि जो आप भूल जाते हो, छुटकारा नहीं पा पाओगे आप। 80% लोग ना प्रॉफिट को ज्यादा देखकर उसे प्रॉफिट को लेते नहीं, और तब लेते हैं जब वो लॉस दे देता है। अब जो रिटेलर के हाथों से शेयर लिए जाएंगे, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, कि जब चीज़ आपको कोई बेकार लगेगी तभी आप उससे छुटकारा पाना चाहोगे। तो मैंने आपके लिए सार्थक बाजार से मैं एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अब इसके अंदर ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स, और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी ने आज बढ़िया वाली जो गिरावट करी है उसकी वजह से लोगों के जो दिल टूट गए हैं, और जब इसका राइट इशू आने की उम्मीद जब जताई जा रही थी, फिर राइट इशू भी आ चुका है, उसके बाद भी अब इसके अंदर आपको गिरावट के सिलसिले मिल रहे हैं। तो मैंने जो आपके लिए सार्थक बाजार से मैं एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अब इसके अंदर ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अब बड़े लोगों की नज़र पड़ गई है। ध्यान रखना सर, इससे पहले जो है ना रिटेलर के ज़्यादा नज़रें थी इसके अंदर, भाई बहुत लोग जैसे वीडियो बनाते थे ये वो तो ऊपर जाएगा वहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वो वहाँ तक के सही थी, लेकिन जो अब इसकी मंशा है ना, अब जो रिटेलर के हाथों से शेयर लिए जाएंगे, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, कि जब चीज़ आपको कोई बेकार लगेगी तभी आप उससे छुटकारा पाना चाहोगे। ध्यान रखना, जब भी कोई आपको चीज़ बेकार लगती है तो तभी तो उससे छुटकारा पाओगे, और जब कोई चीज़ अच्छी लगेगी आपको और वो अच्छा प्रॉफिट दे रही तो उससे जल्दी छुटकारा नहीं पा पाओगे आप। 80% लोग ना प्रॉफिट को ज़्यादा देखकर उसे प्रॉफिट को लेते नहीं, और तब लेते हैं जब वो लॉस दे देता है। तो जब वो अच्छा अच्छा दिख रहा है तो उसे रखने की तमन्ना बढ़ जाती है, लेकिन शेयर मार्केट का अलग रूल है, जहाँ आपको निगेटिव दिख रहा है उसमें आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा सर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 में विंड टरबाइन का जो कारोबार है ना, कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा सर, कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी विंड टरबाइन बनाने के साथ साथ सर्विस भी देती है, देख रेख का भी काम करती है, मेंटेनेंस का भी काम करती है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना पड़ेगा। 3-4 कस्टमर नहीं है इनके, 1900 करीब के कस्टमर हैं सर, ये आपको जानना पड़ेगा। वर्ल्ड में ये 5वां स्थान रखती है, आपको कितनी पॉजिटिव चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका शेयर गिरावट कर रहा है तो उसमें गिरावट में शेयर उठा कौन रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना जिन्होंने राइट इशू लिया है, और राइट इशू 1.8 गुना बढ़ गया है, ये ऐसे नहीं बढ़ाया सर, इसमें बड़े लोगों ने ज़्यादा एंट्री करी है, वो तो धैर्य से बैठे हैं, लेकिन जहां हमारे पास 1,000, 2,000, 15,000, 20,000 शेयर होते हैं, हमें तो वहां डर लगना शुरू हो जाता, आने वाला समय है किसका, आपको ये जानना पड़ेगा। बीते दिनों जो इसे आदित्य बिरला जी ने ऑर्डर दिया वो भूल गए हम, बीते दिनों जिसकी वजह से इसने आपको तेजी के संकेत दिखाए अडानी ग्रीन ने, यानी गौतम अडानी जी की तरफ से इसको जो ऑर्डर मिला है वो भूल गए हम। तो फिर वो न्यूज का फायदा क्या है कि जो आप भूल जाते हो, जिससे आपको मजबूत होना है उसे हमेशा साथ रखना पड़ेगा। आपको पता है जब डर लगता है आपको क्या होता है, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हो, या कोई भी धर्म के व्यक्ति कुछ अपनी जो उनकी मंत्र है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब डर लग रहा है हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चीज़ अच्छी है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन उसको हम ना खुशियों में ज़्यादा याद करते हैं और दुख में उसको भुलाना चाहते हैं, भाई निकलो यहाँ से, ये तो भाई बेकार है। लेकिन काम अगर आपको पसंद आ गया तब आपको जाकर इसके अंदर से ज़्यादा पैसा बनने की उम्मीद है। बड़े लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा राइट इशू में ना लेते, 1.8 गुना अगर इसका राइट इशू ना होता, बोलियाँ इतनी ना आती, तो हम भी इसके अंदर से अपनी दृष्टि को अलग कर लेते। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ऐसे स्टॉकों में आपको कम से कम मिनिमम शेयर लेकर छोड़ने चाहिए सर, उसको देखना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आज आपको भेल ने भी तेजी दिखा दी है, PNB ने भी तेजी दिखा दी है, तो कुछ लोगों तो गिरावट में भी दूर हो गए उन कंपनियों से, लेकिन मेरे पास तो सर अब भी वो भेल और PNB पड़े हैं सर, लॉस था लेकिन अब प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यही तो शेयर मार्केट है, किसी के धैर्य से जीतना,
ये जो आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, याद दिला रहा कि अडानी ग्रीन ने इसको ऑर्डर दिया है, आदित्य बिरला ने इसको ऑर्डर दिया है, बीते दिनों दिया है सर, बड़े बड़े लोग इससे अपना काम करवा रहे हैं, 1900 कस्टमर हैं, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन फिर भी आपको अपने अनुसार एक ऐसी दृष्टि इस शेयर में बनानी पड़ेगी जो इसके काम को देखकर ही बनेगी सर। शेयर प्राइस को देखकर कभी भी आप किसी चीज़ की मनोकामना तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि आपकी जो मनोकामना है बहुत ऊपर तक के वहां नहीं जाएगा अगर आपने सिर्फ उसका शेयर प्राइस देखा है। ध्यान रखना सर, जब शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तभी हृदय टूटेगा, ऊपर जाते तो कभी नहीं टूटता। आपको एक चीज़ फॉर्मूला समझना है कि हमारे हाथों से या किसी के भी हाथों से शेयर तभी निकलेंगे जब वहाँ पर हमें डर लगेगा, भाई पैसा गया, कंपनी ख़त्म, बर्बाद, सब कुछ अच्छा उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन को आपको तब आंकना चाहिए जब इसके अंदर कुछ न्यूज़ ना आती हो, तब जायज है उसमें से एग्जिट करना या उससे डरना। नहीं तो ये कारोबार है सर, आपका पैसा भी लग रहा है, मेरा भी पैसा लग रहा है, ये कारोबार होता है। तो इस कारोबार में तो जीतेगा वही जिसके अंदर ज़्यादा धैर्यशीलता होगी और ज़्यादा साइकोलॉजी बनाकर वो काम को देखेगा। मैं तो भूला नहीं हूँ कि इसको अडानी ग्रीन ने जो ऑर्डर दिया है दोबारा से, आदित्य बिरला ने दिया, राइट इशू इतना ज़्यादा आ गया, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ सर इसको। लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूँ, आपको अपने अनुसार होल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये बताना था कि मजबूत आप तभी हो पाएंगे जब आप पिछली चीज़ें किसी की देखते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा ना, वो आपको उस वक्त तो देख लेगा लेकिन वो आपकी पीछे की डिग्रियाँ भी देखेगा, आपने पीछे बात काम क्या किया है। ध्यान रखना सर, ये पीछे जो आपने काम किया है ना वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। और जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके पीछे काम देखे जाते हैं, आपने पीछे काम कौन कौन से किए हुए हैं, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि आपने आज ही काम करा, आज ही आप इंटरव्यू देने चले गए, जी ओके कल ही तो काम करा, क्या एक्सपीरियंस है। तो सुजलोन एनर्जी ने ज़्यादा एक्सपीरियंस कमा रखा है और ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी फेमस है। 2030 तक के अच्छे जो संकेत ग्रीन ऊर्जा में आएंगे वो इससे भी निकल कर आएंगे। 2027 तक ये बहुत ही अच्छा कारोबार बन जाएगा विंड टर्बाइन का। तो आने वाला समय धीरे धीरे ही कोयले से विंड पर ट्रांसफ़र होगा, ये आपको समझना चाहिए। एकदम से कुछ नहीं होगा और एकदम से ही आपके पैसे डबल नहीं होते, धैर्य से होंगे, वो आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो का मंत्र है, धैर्य दीजिए और पीछे की जो इसकी चीज़ें उसको याद कीजिए और शांत से रहिए, क्योंकि इसी गिरावट में कुछ लोग एग्जिट होंगे, इसी गिरावट में कुछ लोग एंट्री करेंगे, इसी गिरावट में कुछ लोग होल्ड भी करेंगे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।